वेलकम फ्रेंड्स इन कुकिंग स्कूल। आज हम बनाएंगे तोरई, पात्रा और मकाई की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। ये सब्जी अक्सर शादियों में बनती होती है, तो आज हम घर पर ही इसे बनाएंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और सिर्फ 10 मिनट में ही हम घर पर ही इतनी स्वादिष्ट सब्जी बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करें। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 500 ग्राम तोरई, जिसे अच्छे से वॉश करके इसके छिलके निकाल कर मीडियम साइज के टुकड़े कर लिए है। साथ में ली है एक शिमला मिर्च, एक पात्रा का रोल लिया है, इसके भी हमने टुकड़े कर दिए हैं, दो टमाटर लिया है छीला हुआ, एक स्वीट कॉर्न जिसके हमने दाने निकाल लिए हैं और इसे थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, और एक प्याज लिया है। तो सब्जी बनाने के लिए हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं। अब हम गैस को चालू करके इसके ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे 4 चम्मच तेल। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच राई। राई हमारी थोड़ी सी फूटने लगी है, अब इसमें डाल देंगे जीरा 1/2 चम्मच और डाल देंगे हींग 1/2 चम्मच जितनी। लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच और ये सारे मसाले को थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसमें डाल देंगे प्याज, इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ा सा फ्राई हो गया है, अब इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर और ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। ये थोड़ा सा पक चुका है, अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धाना जीरू पाउडर, साथ में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच और ये सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। तो मसाला हमारा मिक्स हो गया है, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और 1 से 2 मिनट के लिए इसे उबलने देंगे। तो अब ये उबल चुका है, अब इसमें डाल देंगे तुरई और सारे मसाले को इसमें मिक्स कर लेंगे। तो सारा मसाला सब्जी में मिक्स हो गया है, अब थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और मिक्स करके 5 मिनट तक मीडियम गैस पर इसे पकने देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं और सब्जी भी थोड़ी सी पक चुकी है, अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला और इसे मिक्स करके फिर से थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं और हमारी तोरई भी नरम हो चुकी है, अब इसमें डाल देंगे मकाई के दाने, मिक्स करेंगे इसे। और साथ में डाल देंगे पात्रा और ये सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर से 2 से 3 मिनट तक मीडियम गैस पर रहने देंगे। ये तोरई पात्रा की सब्जी में मकाई डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो 3 मिनट हो गए हैं और हमने इसमें मकाई और पात्रा डाला था, वो भी इसमें मिक्स हो गया है और थोड़ा सा पक भी गया है।
तो हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और ये सब्जी होटल में और शादी में जैसे बनाते हैं वैसे ही बनती है और बहुत ही टेस्टफुल बनती है। और ये रोटी पराठा और पूरी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो आप भी अपने घर पर एक बार ज़रूर से बनाइए ये सब्जी। ये घर की बनी हुई स्वादिष्ट और फ्रेश सब्जी है और इसका टेस्ट भी आपको बहुत ही पसंद आएगा।